जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का टाइटल है पंचायती राज। बुक जो है वो है सोशल साइंस की, सब्जेक्ट की बुक, क्लास 6 की, कक्षा 6 की जो है सोशल साइंस की किताब का चैप्टर 5 हम पढ़ने वाले हैं। टाइटल है चैप्टर का पंचायती राज, यूनिट का नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्क्रीन पे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम एक एक पॉइंट को पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे यूनिट 3 आपको दिख रही है, यूनिट नंबर 3 है ये, और इस यूनिट का जो है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका टाइटल है इस यूनिट का। तो इस यूनिट के अंदर जो है ये हमें चैप्टर दिया गया है पंचायती राज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात क्या होती है कि जब जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, ठीक है, जो गांव का इलाका होता है वहां पर जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्या डिसीजंस उसके बाद कैसे लिए जाते हैं, कौन लेता है, क्या लोगों की सहमति ली जाती है उसमें, जब गांव में कोई डिसीजन लेना हो, कोई जैसे कि हैंडपंप लगाना है या कोई कुआं खोदना है, तो क्या लोगों की सहमति ली जाती है उसमें, क्या लोगों से पूछा जाता है, क्या लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सुना जाता है या नहीं सुना जाता। ठीक है, उस बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो है ये कामकाज कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम सभा की। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा बेसिकली एक जो है मीटिंग होती है जहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव से जो है जवाब मांगते हैं कि देखो हमारे पास, हमने आपसे ये कहा था कि हमें ये दिक्कत है तो ये काम हुआ क्यों नहीं, या क्या हो रहा है, मतलब कि कुछ आप कर रहे हो इस बारे में या नहीं कर रहे, या अगर कर रहे हो तो कितना हो चुका काम। ठीक है, हमारी ये दिक्कत है तो आप इसको सॉल्व करो, क्यों नहीं हो रहा ये, मतलब कि जो कुछ भी एक व्यक्ति को, ठीक है, पूछना है अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो उन्होंने चूज़ किया है उससे अगर उन्हें कुछ पूछना है तो वो ग्राम सभा में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारे जो हैं पंच बैठे हैं। ठीक है, इनका हेड जो होता है वो होता है सरपंच। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये सभी जो बैठे हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एक छोटे छोटे एरिया के। ठीक है, और ये जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, इन्होंने इन पांच, इन्होंने इन लोगों को जो, ठीक है, ये पांच पंच और उसके बाद में जो है एक इनका हेड, ठीक है, यानी पंचों का हेड जो होता है सरपंच। ठीक है, तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये जवाब दे रहे हैं अपने अपने जैसे कि लोग हैं, जो जो उनके एरिया के जो लोग हैं उनको वो जवाब दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, अभी प्रोग्रेस में है काम, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, सब सारे जवाब जो हैं ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने जो लोग हैं, ठीक है, जो आम आदमी जो हैं, ठीक है, जो ग्राम सभा में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसको, उनको वो जवाब देते हैं। ठीक है, समझ लो, मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर नेशनल लेवल पे देखो तो जैसे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ जो चूज होके आते हैं, बेसिकली इलेक्ट होकर आते हैं जो, ठीक है, एमपी जिनको बोलते हैं हम, तो वो पार्लियामेंट में लोकसभा को वो होते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जवाब देते हैं। ठीक है, मतलब कि स्पेशली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो यूनियन कैबिनेट होता है बेसिकली। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो पार्लियामेंट के बारे में तो यूनियन कैबिनेट होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो जवाब देते हैं लोकसभा को, वो डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जवाब देने के लिए कि भाई गवर्नमेंट ने जो है ये करा तो वो क्यों करा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए इस सिनेरियो में, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ये है बेसिकली एक गवर्नमेंट, छोटे लेवल पे गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लोग बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, इनको आप यूँ समझ लो कि ये जो है इन मतलब काइंड ऑफ ये लोकसभा है। ठीक है, छोटे लेवल पे लोकसभा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत पार्लियामेंट के बारे में नॉलेज है तो छोटे लेवल पर जो है आप यूँ समझ लो इनको कि ये लोग जो है ये लोकसभा है। ठीक है, और ये जो लोग हैं, ये जो पांच जो ये जवाब दे रहे हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लो आप इनको छोटे लेवल पे, मतलब, लेकिन बस मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, मैं कुछ यू एग्जैक्टली नहीं बोल रहा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये बेसिकली पंच हैं। ठीक है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने अपने छोटे छोटे एरिया के, और ये जो लोग हैं ये ग्राम सभा में पार्ट ले रहे हैं, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन बस मैं थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा हो तो आपको थोड़ा सा कि ना कनेक्ट कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को, समझ रहे हो। तो ये अब ग्राम सभा का सीन है। ठीक है, कैसे जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, अपना जवाब मांग रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से, तो एक पूरा ग्राम सभा का जो है यहाँ पे
आपको सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एवरीवन इज़ रशिंग टू द ग्राम सभा। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है जैसे, और क्यों जा रहे हैं ग्राम सभा में? ग्राम सभा में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ग्राम सभा जो है अपनी पहली मीटिंग होल्ड कर रही है इलेक्शन के बाद में, जब ग्राम पंचायत जो है, ठीक है, ग्राम पंचायत यानी ये जो ये लोग हैं, ठीक है, ये जो पाँच छः जो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनको हम यूँ बोल रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट है। ठीक है, छोटे लेवल पे गवर्नमेंट है ये, तो इनको इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, ये जो लोग हैं पाँच छः लोग जो हैं ये पंच और सरपंच को मिलाकर, ठीक है, ये आते हैं ग्राम पंचायत में। ठीक है, ग्राम पंचायत, समझ लो। अब ग्राम पंचायत के लोग हैं ये पाँच छः जो भी हैं, ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों को, और वो जवाब देती है किस में? ग्राम सभा में। ग्राम सभा यानी एक मीटिंग। ठीक है, ग्राम सभा मतलब ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब मीटिंग, तो गांव की मीटिंग। ठीक है, तो ग्राम सभा में बेसिकली जो है ग्राम पंचायत जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको ग्राम पंचायत बोल लो आप, ठीक है, इनको रिप्रेजेंटेटिव बोलो इलेक्टेड इनको, या फिर पंच बोल लो, पंच और सरपंच इनका हेड जो है, पाँचों का हेड। ठीक है, तो आप जो कुछ भी बोल सकते हो इनको, ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का पहली जो है, ग्राम पंचायत पहली मीटिंग होल्ड कर रही है, यानी पहली ग्राम सभा की मीटिंग है ये। ठीक है, ग्राम सभा की मीटिंग मतलब कि जिसमें लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सारे लोग जो हैं जिन्होंने इलेक्शन में पार्ट लिया था, वो सारे जो हैं इन्वॉल्व होंगे इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद में जो है लोगों ने अपने लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया, और फिर जो अब रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पहली जो मीटिंग होल्ड कर रही हैं, ग्राम सभा की मीटिंग है ये। ठीक है, अब ग्राम सभा बेसिकली क्या होती है? ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स हु लिव इन एन एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। समझ रहे हो, मतलब पंचायत जो है ये पाँच छः लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, समझ रहे हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर जैसे कि यूँ समझ लो कि जैसे तीन चार गांव हैं, तीन चार गांव को जैसे छोटे छोटे गांव हैं, तो उसमें जो है एक पंचायत यानी पांच ऐसे लोग सर पांच जो है ऐसे पंच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और उसके साथ में एक सरपंच। ठीक है, ये जो है पूरे तीन चार गांव को जो है कवर कर रहे हैं, मतलब तीन चार गांव के लिए एक ही गवर्नमेंट है, मतलब ये यही लोग हैं जो इनमें इन तीन चार गांवों में काम करवाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ रोड टूट गई तो रोड बनवाएंगे, लाइट टूट गई तो लाइट बनवाएंगे, पानी नहीं आ रहा तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि पंचायत इज़ अ गवर्नमेंट। ठीक है, ग्राम पंचायत इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट। ठीक है, गांव के लेवल पर एक गवर्नमेंट। ठीक है, और ग्राम सभा बेसिकली एक पूरी मीटिंग। ठीक है, जिसमें जो है ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं पंच और सरपंच, वो भी शामिल होते हैं ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, और जो लोग होते हैं जिन्होंने इलेक्ट जिन्होंने वोट दिया था, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया था, वो भी शामिल होते हैं ग्राम सभा के अंदर। समझ लो, तो ग्राम सभा के अंदर सारे आते हैं, बस ग्राम पंचायत जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बस ये इसका डिफरेंस। तो ग्राम सभा की मीटिंग जो है उसमें सारे एडल्ट्स, ठीक है, सारे एडल्ट्स जो उस एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, किस एरिया के अंदर? वो एरिया जो ग्राम पंचायत कवर करती है। ठीक है, तो उस ग्राम पंचायत के एरिया में जितने भी लोग आते हैं, ग्राम पंचायत का रूल जिन जिन एरियाज पर है, तो उस उन एरियाज में जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, वो ग्राम सभा की मीटिंग जो होती है उस पंचायत के द्वारा जो कंडक्ट करता है वो पंचायत, उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वो एरिया उसी ग्राम पंचायत के अंडर में आता है। ठीक है, तो वो जो पंचायत जब मीटिंग होल्ड करेगी, तो वो सारे जो लोग हैं उन तीन चार गांव के, छोटे छोटे गांव के जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, तो उसके सारे जो लोग हैं वो उस ग्राम सभा की मीटिंग में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पंचायत है ये एक गांव को रूल कर सकती है, हो सकता है, या फिर अगर छोटे छोटे गाँव हो तो तीन चार गाँव भी हों, क्या पता। ठीक है, अगर बड़ा गाँव है तो एक दो गाँव हो शायद, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक गांव पर एक ही पंचायत होगी, ऐसा नहीं है। तीन चार गांव को भी एक पंचायत जो है वो रूल कर सकती है, या फिर एक गांव है अगर बड़ा गांव है तो उसको एक पंचायत, शायद एक ही पंचायत एक गांव को ही रूल करे। ठीक है, तो मैटर कर दे, मतलब कि जो है डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ स्टेट्स में, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है कि विलेज की जो मीटिंग हुई है, ठीक है, विलेज मीटिंग जो है ये हर एक मतलब कि गाँव में होती है। ठीक है, जो ये ग्राम सभा की जो मीटिंग है ये हर एक गांव के अंदर होती है, मतलब यूँ समझ लो कि अब हर एक गांव में जाएंगे ये। ठीक है, जो पंचायत जो है यही मेंबर्स, ठीक है, सेम ही मेंबर्स हर एक गांव में जाएंगे जो उनके अंडर में आते हैं। तीन चार गांव आते हैं अंडर में, अब सपोज़ करो कि वो कहेंगे कि भाई हम आपके गाँव में आएंगे और वहाँ मीटिंग होल्ड होगी ग्राम सभा की, तो इसमें जो है इस गाँव के जो लोग हैं आ जाएँ। ठीक है, समझ लो, क्योंकि अब एक ही गाँव में चार गाँवों के लोग अगर आ जाएँ भर के,
समझ रहे हो, तो फिर जो है केओस हो जाएगा, ठीक है, कंजस्टेड हो जाएगा। तो हो सकता है कि ना कि एक गांव में जो है पहले एक मीटिंग कर ली, इस गांव के जो मेंबर्स हैं, मतलब ग्राम सभा की मीटिंग जो है इस गांव में कर ली पहले, फिर ग्राम सभा की मीटिंग उस गांव में कर ली, तो मतलब उस गांव के लोग आ जाएंगे उस गांव की मीटिंग में, इस गांव के लोग आ जाएंगे इस गांव की मीटिंग में, समझ रहे हो। मतलब है तो ग्राम सभा की मीटिंग, लेकिन एक एक विलेज में कर ली, मतलब कि समझ रहे हो, चार विलेजेस हैं तो चारों के लिए एक जगह नहीं, मतलब एक एक जो है सारे विलेज के लिए एक एक जगह पर है मीटिंग कर ली, जिसमें उन वही विलेज जो है पार्ट लेगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। मतलब होर तो सभी के लिए ग्राम सभा मीटिंग, पंचायत तो वही है, पंचायत तो वही लोग पार्ट ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट है गांव की वो तो वही लोग हैं, लेकिन जो विलेज हैं, जो ग्राम सभा में जो लोग पार्ट ले रहे हैं वो उस पर्टिकुलर विलेज के ही हैं, ठीक है। तो ऐसा बता रखा है, ऐसा भी है जो हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 या 18 साल से बड़ा ऊपर है, ठीक है, और जिसको वोटिंग वोट करने का राइट है, ठीक है, यानी जिसके पास जो है वोटर कार्ड है बेसिकली, वो जो है मेंबर बन सकता है ग्राम सभा का, ठीक है, यानी बन सकता है, यानी होएगा वो जो है ग्राम सभा का मेंबर होगा वो, ठीक है। 18 या 18 साल से ज़्यादा उम्र का ऐसा व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार हो, और वोट देने का अधिकार उसी को होता है जिसके पास वोटर कार्ड होता है, तो वोटर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, तो आप जो हो ग्राम सभा के मेंबर बन जाओगे, ठीक है, बात समझ आ रही। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, एक हरदास विलेज है, ठीक है, अब उसके लोग जो हैं कैसे वो पंचायत के लीडर से अपने जो है इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जो ग्राम पंचायत के लीडर्स हैं उन कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बेसिकली जो है यहाँ पर बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो शुरू होती है पंचायत प्रेसिडेंट, ठीक है, और उसके जो मेंबर्स हैं उस पंचायत के, ठीक है, पंचायत के मेंबर कौन होंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पंच होते हैं, ठीक है, पंच जो मेंबर्स होते हैं, सरपंच को छोड़ के, सरपंच तो हेड होता है, सरपंच इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पंचायत, ठीक है, जो ये लोग बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव का जो हेड है वो होएगा सरपंच, ठीक है, सरपंच मतलब समझ रहे हो आप, सरपंच, और जो मेंबर्स हैं जिनका वो हेड है वो होंगे पंच, उनको हम बोलेंगे पंच, ठीक है। तो ऐसे बन के जो इन सभी को मिला के बनती है ग्राम पंचायत। अब वो जो है एक प्लान रख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में कि रोड को रिपेयर करने का, कि जो रोड है जो गांव को शहर से हाईवे से बेसिकली मेन हाईवे से कनेक्ट करती है उसको रिपेयर करने का, ठीक है। तो इसके बाद जो है डिस्कशन मूव होता है पानी के ऊपर कि भाई पानी की शॉर्टेज है, काफ़ी पानी की दिक्कत है लोगों को, तो एग्जाम्पल दे रखा है बेसिकली, मैं ये बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है ना उसमें जो क्या बता रखा है वो मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझा रहे हैं कि कैसे काम करती है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक बात आपको यहाँ पे मैं बॉक्स बता देता हूँ पढ़ के, कि हर एक जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, सेम थिंग, इट्स अ सेम थिंग, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, ग्राम का मतलब ही गांव होता है, विलेज। तो विलेज पंचायत जो है वो वार्ड्स में डिवाइड होती है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब वार्ड का मतलब कि ऐसे छोटे छोटे एरिया, सब एक बड़ी विलेज है, सपोज करो एक बड़ी विलेज है, बहुत बड़ी विलेज है, और उसको जो है अब आप यूं समझो कि बहुत बड़ी विलेज को अब उसमें छोटे छोटे एरियाज में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे कि 4-5 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 उस विलेज को ही, ठीक है, विलेज को 5 पार्ट में डिवाइड करने पर जो है उस एक पार्ट को, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों को जो है वार्ड्स बोलेंगे, ठीक है, वार्ड, WARD, वार्ड, ठीक है, एक जो पार्ट है छोटा पार्ट उसको बोलेंगे वार्ड, ठीक है। तो हर एक वार्ड के लिए जो है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होएगा जिसको बोलेंगे पंच, ठीक है, जो हमारा मैंने अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी अच्छे से, ठीक है, पंच, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो पंच है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है उस वार्ड का, ठीक है, जैसे कि ये विलेज है पूरी, इसको तोड़ दिया ऐसे 4-5 एरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये सारे जो है ना 1, 2, 3, 4 ये सारे वार्ड हैं, ठीक है, ये जो आपको स्लाइसेस दिख रहे हैं ये सारे वार्ड हैं बेसिकली, और हर एक वार्ड का जो है वन रिप्रेजेंटेटिव होएगा, ठीक है, वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर वन वार्ड, ठीक है, मतलब कि एक जो वार्ड का एक पंच होगा, पंच बोलेंगे जिसको, ठीक है। तो अब क्या है कि जो सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, सारे मेंबर जो हैं ग्राम सभा के वो एक सरपंच को भी, ठीक है, एक सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं जो पंचायत प्रेसिडेंट बनता है, मतलब कि जो पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, जो ग्राम की जो गवर्नमेंट है जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, तो उसका जो हेड होगा सरपंच उसको भी, ठीक है, इलेक्ट करेंगे कौन, लोग करेंगे,
ठीक है, मेंबर जो है, समझ रहे हो, मेंबर जो है ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है, ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। और ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? हम ही तो होते हैं, जो जो लोग हैं गांव में रहने वाले वो होंगे उसके मेंबर। तो भाई इलेक्ट भी, वो इलेक्ट करेंगे पंचों को भी, पंच को भी करेंगे और वो सरपंच को भी करेंगे, ठीक है। अपने अपना जो उनका स्लाइस होगा, ठीक है, अपना जो उनका एरिया होगा उससे वो वार्ड को, मतलब कि एक पंच को इलेक्ट करेंगे और फिर जो है सरपंच के इलेक्शन होंगे, कि मतलब सारा जो हेड है पूरे गांव की, जो पूरी जो पंचायत है, पूरी जो गवर्नमेंट है उसका हेड एक, उसके लिए भी इलेक्शन होगा, ठीक है। अब वार्ड के पंच और सरपंच जो है वही बनाते हैं ग्राम पंचायत, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्राम पंचायत जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है नेशनल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। ऐसे ही ग्राम पंचायत भी जो है ग्राम के लेवल पे गवर्नमेंट ही है वो भी, तो वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। अब हर एक ग्राम पंचायत को जो है एक सेक्रेटरी मिलता है, यानी उसका उसके पास एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। अब सेक्रेटरी जो होता है ये, ठीक है, जो ये ऑफिसर होता है ये बेसिकली जो है इलेक्टेड वो नहीं होता, कोई इलेक्टेड व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इसको भेजा जाता है कि भाई जाओ आप हो सेक्रेटरी और आप जो बैठोगे ये ग्राम सभा जो की जो मीटिंग होगी उसमें आप जो है बैठोगे, ठीक है, चाहे वो ग्राम पंचायत की मीटिंग हो चाहे वो ग्राम सभा की मीटिंग हो, आप उन मीटिंग्स में बैठोगे, आप हो सेक्रेटरी, ठीक है, इस ग्राम सभा के, ठीक है, इस ग्राम सभा के, इस ग्राम पंचायत के। तो सेक्रेटरी जो होता है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है मीटिंग को बुलाने के लिए, कि भाई चलो ग्राम सभा की मीटिंग अभी होनी है, ठीक है, ड्यू है तो ग्राम सभा की मीटिंग अभी होनी चाहिए, या फिर ग्राम पंचायत की मीटिंग करानी हो तो वो जो है सेक्रेटरी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बुलाने के लिए, ठीक है, मीटिंग को कराने के लिए, और वो रिकॉर्ड रखता है कि हाँ भाई जो ये मीटिंग हुई है इसमें क्या क्या जो है डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है सेक्रेटरी उसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक स्टोरी जैसे बताई गई है, एक गांव वाले के बारे में बताई गई है, मतलब गांव में बेसिकली क्या होता है, एक विलेज में जैसे पानी की प्रॉब्लम आ रही है तो लोग कैसे परेशान हो रहे हैं उसके बारे में ये स्टोरी है, ठीक है। तो एक जो है गांव के व्यक्ति हैं तीजिया, ठीक है, वो कहते हैं कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, मतलब बहुत परेशानी हो रही है पानी की वजह से, हैंडपम्प का जो पानी का जो लेवल है, हैंडपम्प जो होता है, ठीक है, वो जब आप उसको दबाते हो हैंडपम्प को तो पानी खींचता है ना, जमीन से खींचता है वो। अब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है अगर वो नीचे चला गया तो पानी नहीं आएगा हैंडपम्प में, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो वो कह रहे हैं कि हैंडपम्प का जो वाटर, जो वो पानी जो है, ठीक है, लेवल जो है उसका ग्राउंड वाटर का, वो बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है, वो इतनी नीचे जा चुका है कि उतनी नीचे हमने जमीन को जो है खोद नहीं रखा, ड्रिल नहीं कर रखा, समझ रहे हो। तो मतलब कि इसीलिए जो है पानी नहीं आ रहा, इसीलिए जो है वहाँ पर पानी की दिक्कत हो रही है, टुंटियों में जो है उनकी जो टैप्स हैं बेसिकली उसमें पानी नहीं आ रहा, ठीक है, उनके नलकों में पानी नहीं आ रहा, हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा, इसलिए जो औरतें हैं वहाँ पे उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है पानी लेके आने के लिए, सुरू रिवर है एक वहाँ पे, तो उसमें पानी लेके जाने के लिए उन्हें जो है मतलब ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसी डिस्कशन के बीच में एक मेंबर कहते हैं कि भाई एक काम क्यों नहीं करते, एक पाइप बना लो, ठीक है, सुरू रिवर से उसको कनेक्ट कर लो और सुरू रिवर से उस पाइप को कनेक्ट करके एक टैंक में जोड़ दो, ठीक है, वो एक टैंक बना दो यहाँ पे गांव के अंदर, उस टैंक में उस पाइप को जोड़ दो, तो मतलब कि जो पानी है सुरू रिवर से वहाँ पर टैंक में भर जाएगा और उस टैंक से पानी जो है वो सारे गांव में जो है हम भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक एडवाइस दी, ठीक है, किसी व्यक्ति ने वहाँ पे। फिर उसके बाद में जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो सोचते कि नहीं यार ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी पाइप वगैरह लगानी है, फिर उसके बाद में कैसे टैंक बनाना है और जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो सोचते हैं कि काम क्यों नहीं करते, इससे अच्छा तो हम जो है कि जो लेवल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको और नीचे खोद देते हैं, ठीक है, उसको और खोद देते हैं, समझ रहे हो, मतलब जो ड्रिल जितना कर रखा है हमने उसको और ड्रिल कर देते हैं नीचे तक, कि जो जितना वो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है जहाँ पर वो है, तो वहाँ तक जो है हम उसे अच्छे से और ड्रिल नीचे कर देते हैं डीप, ठीक है, और जो वेल हैं, जो हमारे कुएँ हैं उनको भी साफ कर देते हैं, बस इस सीज़न के लिए, काम चलाने के लिए, ठीक है। तो फिर जो तीजिया है, ठीक है, वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है, हमें जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो बेसिकली नीचे जाती जा रही है हर साल और बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है, हम बहुत सारा पानी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हम इतना पानी यूज़ कर रहे हैं जितना कि उसमें ग्राउंड में रिचार्ज नहीं होता, ठीक है, मतलब बारिश से जितना पानी जाता है ज़मीन के अंदर उससे ज़्यादा तो हम उसे निकाल लेते हैं उस टाइम पीरियड में,
ठीक है, तो मतलब कि धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं ग्राउंड में जो वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है। तो फिर एक और मेंबर हैं, वो कहते हैं, अनवर है जिनका नाम, तो कहते हैं वो कि वो जब अपने भाई के पास मिलने गए थे, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे तरीके देखे थे कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाता है, ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है, ठीक है, उसको दोबारा रिचार्ज कैसे किया जाता है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने देखा, ठीक है, जब वो अपने भाई से मिलने गए थे महाराष्ट्र में। तो ऐसा सुनने के बाद जो है वो कहते हैं, मतलब कि उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है इसको कहते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो मेथड है इसको कहते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट। अब ये जो है, ये कहते हैं अनवर जो है यहाँ पे व्यक्ति, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट भी जो है, ठीक है, गवर्नमेंट भी जो है वो इस काम के लिए काफ़ी पैसे जो है वो देती है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने भी इसको बनवाने के लिए, वाटरशेड डेवलपमेंट का जो तरीका है उसको लाने के लिए काफ़ी हेल्प करी थी लोगों की, जब वो अपने भाई से मिलने गए थे वहाँ पे उन्होंने देखा ये चीज़, ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी अगर हम ये वाली जो टेक्निक है इसको अप्लाई करेंगे तो, ठीक है, ये जो वाटरशेड की जो टेक्निक है, ठीक है, अगर ये हम करेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, जो अपने रिसोर्सेज हैं उसके, उससे वो हेल्प करेगी। तो अब जब वो मेरे भाई से मिलने गए थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि लोगों ने वहाँ पर पेड़ बना रखे हैं, पेड़ जो है पेड़ उगा रखे हैं, बेसिकली बना के रखे हैं, उगा रखे हैं पेड़, ठीक है, तो पेड़ उगा रखे हैं, उसके बाद चेक डैम बना रखे हैं, ठीक है। चेक डैम क्या होता है कि जैसे पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी जो है वो फ्लो हो रहा है तो उसको ब्लॉक करने के लिए जो है बैरियर से बना देते हैं, ऐसे बैरियर्स, ठीक है, ऐसे बैरियर बना देते, ताकि अगर पानी जो है, पानी अगर जा रहा है तो स्पीड से उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाए यहाँ पे, ठीक है, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत स्पीड रह गई तो वो यहाँ पर स्लो हो जाएगी। तो मतलब कि जो पानी है वो अपने साथ में बेसिकली मिट्टी को नहीं लेके जाएगा, ठीक है, मिट्टी जो है उसके साथ में नहीं जाएगी और ग्रीनरी जो है वो वैसी की वैसी ही मेंटेन्ड रहेगी बेसिकली, ठीक है, चेक डैम बोलते हैं उसको। तो चेक डैम जो है बेसिकली बनाए, वो उन्होंने देखा वहाँ पर कि अपने भाई की जगह पर, अपने भाई के गांव पर चेक डैम बना रखे हैं लोगों ने, पेड़ पौधे जो हैं वो उगा रखे हैं और टैंक बना रखे हैं, बेसिकली बड़े बड़े टैंक जो हैं, ठीक है, वो बना रखे हैं। तो फिर सबने सोचा कि हाँ यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, ठीक है, और ग्राम पंचायत जो है उसको कहा गया कि हाँ आप जो है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानो कि ये सिस्टम क्या है, ठीक है। इसके बाद में बात हुई ग्राम सभा में BPL के बारे में। BPL का मतलब होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब ऐसे लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है फाइनेंशियली, ठीक है। बिलो द पॉवर्टी लाइन एक जो है एक डिसाइड होता है, एक बेसिकली एक कैटेगराइजेशन होती है कि अगर इतने लेवल से कम इनकम है किसी भी व्यक्ति की तो उसे बिलो पॉवर्टी लाइन जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि उसे जो है कुछ कंपनसेशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ जो है थोड़ा पैसा मिल जाए या फाइनेंशियल हेल्प, कुछ और तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर दे उसकी बेसिकली, ठीक है, उसको कुछ चीज़ जो है वो सस्ते में दे दे उनको, ठीक है, समझ रहे हो, राशन रूशन जो है उनके लिए सस्ते में दे दिया उनको, थोड़ा बहुत 3-4 रुपये सस्ते में दे दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन एक कैटेगराइजेशन होती है, एक ऐसी लाइन होती है, मतलब कि एक ऐसी कैटेगरी होती है, मतलब उस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका एक पर्टिकुलर लेवल से कम इनकम होती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन के बारे में बात हो रही है अब ग्राम सभा में, ठीक है, कि बिलो द पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट है इसमें कौन कौन लोग आएंगे, ठीक है, अब ये बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये लिस्ट का नाम सुनाया गया कि इस लिस्ट में कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर चर्चा शुरू होने लगे कि यार नटवर ने तो भाई एक कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने तो उसको एक मोटरसाइकिल भी भेजी है, वो कैसे बिलो द पॉवर्टी लाइन वाली लिस्ट में आ सकता है, वो कैसे BPL वाली लिस्ट में आ गया उसका नाम, ठीक है, वो तो गरीब है ही नहीं बिल्कुल भी, समझ रहे हो। उसके बाद में जो सूरजमल है वो अपने साथ में जो बैठा व्यक्ति है उसको ये बात कहता है, ठीक है, ये बात जो है उसने कही। उसके बाद सरोज जो है वो सुखी भाई को कहती है कि बिरजू जो है वो कैसे आ गया लिस्ट में, ठीक है, उसके पास तो इतनी ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, वो तो गरीब लगता ही नहीं बिल्कुल भी किसी तरह से। तो इस लिस्ट में जो है सिर्फ गरीब लोगों का ही नाम होना चाहिए और ओम प्रकाश जो बिल्कुल गरीब एक लैंडलेस लेबरर है जो बिल्कुल दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता है उसका नाम यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, उसका नाम जो है वो लिस्ट में ही नहीं है, समझ रहे हो। तो फिर मतलब कि नटवर और बिरजू के बारे में जब जाना, बिरजू और के नटवर को जब उनके बैकग्राउंड के बारे में देखा तो पता चला कि ये दोनों जो है आमिर चंद के खास दोस्त हैं और आमिर चंद जो है बहुत एक पावरफुल व्यक्ति है, यानी जिसके पास जो है बेसिकली काफ़ी ज़मीन है,
ठीक है, यानी वो जो एक बड़ा जमींदार है, ठीक है, तो उसके दोस्त हैं ये, खास दोस्त हैं, इसीलिए इन्होंने अपना नाम जो है बीपीएल वाली लिस्ट में दे दिया, मतलब आ गया इनका नाम, क्योंकि जो है उसके उनके अच्छे कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऐसे आदमी से जिसके पास बहुत ज़मीन है, समझ रहे हो आप। तो मतलब कहने का ये है कि ओम प्रकाश जो है बेसिकली, ठीक है, ओम प्रकाश उसका नाम यहाँ पर लिस्ट में गरीब आदमी जिसको इसका नाम होना चाहिए था उसका नाम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो फिर सरपंच जो है यहाँ पे पंचायत प्रेसिडेंट जो है उन्होंने देखा कि लोग खुसफुस कर रहे हैं, ठीक है, कि बात क्या है भाई, कुछ कहना चाहते हैं क्या। तो सरोज जो है उन्होंने कहा कि सूरजमल एक काम करो, तुम नटवर और बिरजू के बारे में पूछो, ठीक है, कि नटवर और बिरजू जो हैं ये, ठीक है, वो कैसे उनका नाम आया बेसिकली इस लिस्ट में कैसे आया। लेकिन जो सूरजमल है बेसिकली वो नहीं बोला कुछ भी, क्योंकि जो आमिर चंद है वो वहीं बैठा था, ग्राम सभा में ही बैठा था, ठीक है, और वो सब पे नज़र रख रहा था कि कोई इसके अगेंस्ट में बोलेगा कि नहीं बोलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर सरोज जो है वो आखिरी में खड़ी होती है और वो जो है वो कहती है कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, सरोज ने कहा ये बात। तो दूसरे लोग जो हैं वो कहते कि हाँ, वो और उसका परिवार बहुत गरीब है, ओम प्रकाश का परिवार। तो सरपंच बोलते कि उसका नाम कैसे नहीं आया लिस्ट में, ठीक है। तो उन्होंने फिर सरपंच ने पूछा कि जो वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने सर्वे किया था उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं आया नाम। तो उसने कहा कि ओम प्रकाश का घर जो है वो उस पर ताला लगा हुआ था जब वो गया था वहाँ पे सर्वे करने के लिए, जब वो सर्वे यानी पूछने के लिए गया था कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास लैंड कितनी है, ठीक है, तो ये जो सर्वे होता है इसको करने जब गया तो ओम प्रकाश के घर पर ताला लगा हुआ था, ठीक है। तो सरपंच ने फिर इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ओम प्रकाश की जो परिवार है उसकी इनकम देखी जाए कि कितनी उसकी इनकम है, ठीक है, और अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल से जो गवर्नमेंट ने कहा है इस लेवल से अगर नीचे है तो उसकी उसका नाम जो है लिस्ट में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो सरपंच ने जो है ये बेसिकली ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ग्राम सभा जो है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राम पंचायत के रोल, ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग में, ठीक है, कि ग्राम पंचायत जो है जैसे फंक्शन करेगी उसके फंक्शनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है अब ग्राम सभा, ठीक है, भैया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वो रोल ऐसे ही प्ले करती है कि उसमें लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्टोरी में यहाँ पे दिख रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं आया, ओम प्रकाश तो बहुत गरीब है, ये नटवर जो है नटवर और बिरजू का नाम कैसे आ गया, ये तो बहुत, इनके पास तो बहुत है खाने को, इनके पास तो ज़मीन भी बहुत है, ठीक है, इनकम भी काफ़ी है इनकी, तो इनका नाम कैसे आ गया। तो लोग जो है ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत से पूछ रहे हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, उसका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जो ग्राम सभा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग में, ठीक है, बात समझ रहे हो। ग्राम सभा के अंदर ही सारे जो प्लान हैं जो ग्राम पंचायत करने वाली है वो बेसिकली लोगों के आगे रखे जाते हैं कि भाई हम जो है ये रोड बनवा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ रोड जो है इससे बनाया जाएगा, हाईवे से कनेक्ट होएगा, वहाँ पे लाइट टूटी है तो उसके लिए हमने ऐसा ऐसा करेगी पंचायत, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। अब पानी की जो शॉर्टेज है हम उसके लिए ऐसा कुआं खुदवाएंगे और ये करेंगे, अगर और किसी को दिक्कत है तो बताओ, आपकी कोई दिक्कत है इससे तो, अगर आप और कोई आपके पास सजेशन है तो ऐसे बेसिकली जो है सारे प्लान ग्राम सभा के अंदर ही रखे जाते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत जो है लीडर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो ग्राम सभा के अंदर ही सारे प्लान अपने बताते हैं लोगों को, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा करेंगे हम, ठीक है, तो ऐसा, समझ रहे हो। तो ग्राम सभा जो है बेसिकली वो ग्राम पंचायत को कंट्रोल में रखती है, और अगर कोई ग्राम पंचायत जो है गलत डिसीजन लेने वाली है या जो है पैसे का मिसयूज़ कर रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से पैसा आया है उसका अगर मिसयूज़ कर रही है वो, ठीक है, या फिर फेवर कर रही है स्पेशली फेवर कर रही है किसी को कि भाई हाँ, मतलब ना कि डिस्क्रिमिनेट कर रही है कि एक व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही वो दे रही है, ठीक है, यानी कि फैसिलिटीज़ वगैरह कह सकते हो आप, जिसको मिलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल गरीब है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को रोकने के लिए ग्राम सभा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत की जो ये जो है ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है उनको क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है मतलब कि मॉनिटर करती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक्टिविटीज़ को
ठीक है, और उनको जो है रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ले और अपना जो काम है वो ढंग से करें। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है ग्राम सभा का। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ग्राम पंचायत जो है वो रेगुलरली मीट करती है और उसका एक मेन टास्क तो ये होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, जो विलेज में होने चाहिए, ठीक है, जिनको इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए वो मीटिंग करती है। समझ रहे हो, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि हर एक मीटिंग में जो है ग्राम सभा को बुलाना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है तो ग्राम सभा के लोग भी आएंगे उसमें, ऐसा नहीं है। ग्राम सभा की मीटिंग है तो ग्राम सभा के लोग भी आएंगे, मतलब हम भी, आम आदमी भी आएगा उसमें। ठीक है, जिसने वोटिंग दी है, जिसने वोट करा है, ठीक है, उन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की मीटिंग है तो मतलब कि बस वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग है, उन पांच जो पांच छह जो लोग हैं जो हेड हैं उन्हीं की मीटिंग है। ठीक है, और वो रेगुलरली मीट करते हैं और उनका एक इम्पॉर्टेंट टास्क यही है कि जो डेवलपमेंट करनी है गांव के अंदर, कुछ रोड बनवाना है, कुछ लाइटें लगवानी है, पानी नहीं आ रहा ढंग से, ठीक है, या फिर जो है और कोई दिक्कत है, किसी को लैंड की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, मतलब गांव के लोगों को, ठीक है, तालाब सूख रहा है, ठीक है, उसके बाद में जो है कोई बीमारी आ गई, जो जानवर हैं वो मर रहे हैं, ऐसी जो दिक्कतें हैं, ठीक है, कॉमन दिक्कतें सभी जो हैं बेसिकली, उनके डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट जो करती है वो ग्राम पंचायत करती है, और ग्राम पंचायत बेसिकली रेगुलरली मीट करती है इन प्रोग्राम्स को डिस्कस करने के लिए कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके बाद में आपने, आप देख चुके होगी जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, उसका जो काम है वो अप्रूव होना चाहिए ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा हमारे, यानी हमारे जो लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है ग्राम पंचायत के सारे काम जो है वो अप्रूव होने चाहिए। कि ग्राम सभा अगर कहेगी ना कि हाँ जी ठीक है, ठीक है, सही, आप सही कर रहे हो, बिल्कुल हम सभी यही चाहते हैं, ठीक है, तो ग्राम पंचायत आगे बढ़ेगी। ठीक है भाई, चलो करवाओ, बनवाओ लाइटें लगवाओ यहाँ पे। लेकिन ग्राम सभा कहेगी नहीं, हमें लाइटें, यहाँ तो लाइटें ऑलरेडी हैं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ नहीं वहाँ लगवाओ। ठीक है, समझ रहे हो। तो ग्राम सभा जो है बेसिकली ग्राम सभा अप्रूव करेगी। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत बोल रही है कि हम हैंडपंप बनवाने वाले हैं, कि अगर ग्राम सभा ने कहा कि नहीं ग्राम, यहाँ पे हमें जो है हैंडपंप हमारे पास ऑलरेडी है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें दूसरी चीज़ की जरूरत है, तो मतलब फिर हैंडपंप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर ग्राम पंचायत जो है हैंडपंप नहीं लगवाएगी क्योंकि ग्राम सभा ने अप्रूव नहीं करा। समझ रहे हो आप। तो अप्रूव में, अप्रूव होना जरूरी है ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, डिसीजन जो है ग्राम पंचायत की, वो ग्राम सभा की अप्रूवल जो है उन पर जरूरी है। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स में जो है ग्राम सभा बेसिकली कमेटी बनवाती है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कमेटीज होती हैं अलग अलग चीज़ों को लेने, मतलब एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग कमेटी है, डेवलपमेंट के लिए कोई मतलब कि दूसरी अलग कमेटी है, पानी के लिए अलग कमेटी बना दी, समझ रहे हो, या फिर जो है क्या बोलते हैं फूड के लिए या हेल्थ के लिए, ठीक है, दवाइयों के लिए, बीमारी के लिए जो है उसके लिए एक अलग कमेटी बना दी, वो देखेंगे। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है, एजुकेशन के लिए एक अलग कमेटी बना दी जैसे, ठीक है, वो स्कूलों को देखेगी गांव में, तो मतलब कि अलग अलग कमेटीज बना दी। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं ये, कि कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो ग्राम सभा जो है वो ऐसी कमेटीज बनाती है पर्टिकुलरली, जिस कमेटी के जो मेंबर होते हैं, मतलब उसके उसके मेंबर जो होते हैं वो ग्राम सभा के भी कुछ लोग होते हैं और ग्राम पंचायत के भी कुछ लोग होते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि ग्राम पंचायत जो है वो तो इलेक्टेड होती है पूरी, लेकिन अगर कमेटी की बात करें, कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि उन कमेटी जो होती हैं डेवलपमेंट कमेटीज, ठीक है, तो उनमें कुछ कई बार मेंबर जो है ग्राम सभा के हो जाते हैं और कुछ जो है वो ग्राम पंचायत के, तो मिल के काम करते हैं कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर और कुछ ग्राम सभा के मेंबर डेवलपमेंट कमेटी में। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट कमेटीज होती हैं एक गाँव के अंदर, ठीक है, जो आपस में एक साथ काम करती हैं किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। अब जो है इसके बाद में यहाँ पर ये बॉक्स देख लेते हैं। ठीक है, वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, जैसे कि मैं बता रहा था, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, तालाब है, कोई जोहड़ है या फिर जो है कोई नदी है बेसिकली वहाँ गांव से गुजर रही है, जो रोड्स हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, नालियाँ जो हैं, स्कूल का, एजुकेशन का सिस्टम हो गया, ठीक है, या प्रॉपर्टी के बात हो गई कि भाई ये किसकी प्रॉपर्टी है, कोई कब्जा कर ले कहीं किसी की प्रॉपर्टी पे ऐसे, ठीक है, उसके बाद में लोकल टैक्सेस, टैक्सेस लगाना, कर, ठीक है, समझ रहे हो आप, जो टैक्स होते हैं बेसिकली, टैक्स ही तो देना पड़ता है, समझ रहे हो, हर एक व्यक्ति को टैक्स तो देना पड़ेगा ना सरकार को, ठीक है, क्योंकि सरकार इतनी सारी जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, सरकार जो है वो पैसा देती है आपको, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, कि लाइटें बनवाने के लिए, हैंडपंप लगवाने के लिए, तो सरकार से जो पैसा आता है बेसिकली वो हमारा ही पैसा है,
हमने ही टैक्स में दिया है सरकार को, ठीक है। इसके बाद में जो है कुछ स्कीम्स हैं सरकार की, उनको एग्जीक्यूट करती है ग्राम पंचायत, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा स्कीम हो गई, महात्मा गांधी की जो वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो वो प्रोग्राम जो है, ठीक है, जिसमें कि कुछ दिन के लिए हर एक व्यक्ति को श्योर शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी गांव में, ठीक है। तो मनरेगा जो वाली जो स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो बेसिकली तो आपको पता ही होगा अराउंड 2005 आई थिंक 2005 के आसपास ही जो है आई थी स्कीम, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी स्कीम है, और भी योजनाएं हैं, बहुत योजनाएं हैं, ठीक है, बहुत योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जो है वो निकालते रहते हैं बार बार, जो है मतलब कि लाते रहते हैं नई नई योजनाएं गरीब लोगों के लिए। तो उन सभी को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? ग्राम पंचायत ही तो करती है, क्योंकि वही तो गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है, लोकल लेवल पे। इसके बाद में सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, कि पंचायत को फंड कहां से मिलते हैं कि वो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करे, कहां से मिलते हैं उसको? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, टैक्स जो है बेसिकली कि कोई अगर मार्केट प्लेस है, ठीक है, कोई मतलब यानी मंडी है वहां पे, लोकल मार्केट प्लेस है, लोकल मंडी, समझ रहे हो, उस पर टैक्स, घरों पे टैक्स, हाउस टैक्स जो होता है। इसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है क्या बोलते हैं अपनी अपनी जो स्कीम निकालती है, बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट जो है अपनी स्कीम निकालता है, हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी स्कीम्स हैं, ठीक है, और जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी स्कीम्स हैं। तो वो फंड जो आते हैं मिनिस्ट्री से, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से, ठीक है, वो भी यूज़ होते हैं, वो भी एक सोर्स है पंचायत के, ठीक है, पंचायत की उसके लिए फ़ंड के लिए। उसके बाद में डोनेशंस, ठीक है, जो डोनेट करते हैं लोग, ठीक है, जो डोनेशन मिलती है पंचायत को कम्युनिटी वर्क के लिए, कि भाई ये जो चीज़ है हम गांव वाले जो हमारी जो ग्राम पंचायत है वो ये चीज़ बनवाएगी, अब इसके लिए फ़ंड चाहिए, तो आप जो सारे गांव के जो लोग हो थोड़ा थोड़ा डोनेट कर दो, 10-10, 15-15 या 50-50 रुपये डोनेट कर दो, तो इससे जो है हम ये चीज़ बनवा लेंगे और फिर इसको जो है सारे लोग गाँव के यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो डोनेशन ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, कि चंदा इकट्ठा करके, ये सोर्सेज होते हैं फंड के, किसके, ग्राम पंचायत के, ताकि वो अपने काम जो है एग्जीक्यूशन के काम जो है वो कर सके, ठीक है, यानी जो चीज़ें उसको करनी है, जो उसके फंक्शंस जो हैं, उसके जो वर्क हैं जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया, उनको वो पूरा कर सके, ठीक है, समझ रहे हो। पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना, काम करना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में जो है अब देखते हैं कि हरदास की जो हरदास ग्राम पंचायत जो है वो क्या कर पाई, ठीक है, जो लेट सी वॉट द हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू, ठीक है। तो क्या क्या जो है वो ग्राम पंचायत जिसके बारे में हमने अभी देखा था, एग्जाम्पल देखा था, वो क्या क्या चीज़ें जो है वो कर पाई, क्या उन्होंने करा, उसको देखते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा कि हमने वाटर प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी, ठीक है, हरदास विलेज में वाटर प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, जब हरदास ग्राम पंचायत की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, उस मीटिंग में एक पॉइंट जो है वो लाया गया एक मेंबर के द्वारा, एक पंच के द्वारा, ठीक है। ये जो मीटिंग है ये सरपंच ने अटेंड करी थी, वार्ड मेंबर्स ने अटेंड करी थी, जिनको पंच बोलते हैं मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और सेक्रेटरी ने अटेंड करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत ने डिसीजन लिया इस मीटिंग में, क्या डिसीजन लिया कि भाई ये जो दो हैंडपम्प हैं उनको थोड़ा हम और खोदेंगे नीचे तक, और एक जो कुआँ है उसको हम पूरा साफ करेंगे, ठीक है, और उसको साफ करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि जो गाँव में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये तो हो गया टेम्परेरी काम, ठीक है, टेम्परेरी जुगाड़। इसके बाद में सरपंच जो हैं, पंचायत प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई पंचायत है वो कुछ उसके पास पैसे आए हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो पैसे भेजती है, ठीक है, ऊपर से जो है मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पैसे देती है पंचायत, ग्राम पंचायत को, कि ताकि वो काम कर सके, ठीक है, जो उसके काम है वो पूरा कर सके। तो उसी लिए जो पैसा आया है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, हैंडपम्प की मेंटेनेंस के लिए उसको यूज़ करा जाए, ठीक है, जो पैसा आया है गवर्नमेंट की तरफ से हैंडपम्प की मेंटेनेंस के लिए उसको यूज़ करा जाए। और मेंबर्स ने बोला कि हाँ जी हाँ ठीक है, और सेक्रेटरी जो है उसने ये डिसीजन को रिकॉर्ड कर लिया, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सेक्रेटरी जो है वो उस डिसीजन को रिकॉर्ड करते हैं, वो मीटिंग को अटेंड करते हैं, और जो भी डिसीजन लिया जाता है ग्राम सभा की मीटिंग हो चाहे वो ग्राम पंचायत की मीटिंग हो चाहे वो, सभी दोनों मीटिंग्स में जो है सेक्रेटरी प्रेजेंट होते हैं और जो है वो डिसीजन को रिकॉर्ड करते हैं कि भाई क्या डिसीजन यहाँ पे लिया गया, ठीक है। ये तो हो गया चलो टेम्परेरी जुगाड़ कि भाई पैसे कहाँ से आए, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने सरकार ने दिए मेंटेनेंस वाले पैसे, उसको यूज़ कर लेंगे हैंडपम्प को जो डीप और खुदवाएंगे नीचे तक और एक कुआं जो है उसको साफ करवाएंगे। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन की अब बात करें कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, तो वो भाई उसमें जो है क्या हुआ कि ग्राम सभा के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो अगली बार में पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया, कुछ ये टेम्परेरी जुगाड़ तो कर दिया लेकिन परमानेंट कुछ किया कि नहीं किया। तो पंच जो हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो वाटरशेड का जो प्रोग्राम है, ठीक है,
वाटर शेड का जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम हमने बात करी थी ग्राम सभा की मीटिंग में, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ, वाटरशेड प्रोग्राम होता क्या है, क्या इससे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये डिस्कशन हुआ ग्राम पंचायत की इस मीटिंग में, ठीक है, समझ रहे हो। पर टेम्परेरी जुगाड़ तो इन्होंने देख लिया, लेकिन परमानेंट के बारे में बात करी अब। तो अब इसमें जो है बहुत डिस्कशन होने के बाद में आखिरी में ग्राम पंचायत ने क्या हुआ डिसीजन लिया कि अब जो है भाई ठीक है, हमने बात तो कर ली आपस में, लेकिन जो है अब एक बार क्या करते हैं, BDO जो है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब BDO बेसिकली क्या होता है कि BDO जो है वो सरपंच के लाइक जो है एक BDO, यूं समझ लो कि BDO जो है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता वो, ठीक है, वो एक ऑफिसर होता है, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो क्या बोलते हैं काम काज को देखता है वो, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो नीचे है वो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो नीचे होता है वो, लेकिन जो ग्राम पंचायत का जो लेवल है, ठीक है, उससे वो ऊपर होता है, ठीक है, यानी तहसील के लेवल बोल लो आप, तहसील का जो लेवल है उसके लेवल पर जो है आपको एक BDO मिलेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इस ब्लॉक का मतलब क्या है कि ब्लॉक के अंदर जो है कुछ गांव आते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ग्राम पंचायत आएंगी, मतलब ठीक है, 4-5 ग्राम पंचायत को मिलकर बनाकर जो है एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, तो उस ब्लॉक को जो है आप तहसील बोल लो, या तो ठीक है आप तहसील बोल सकते हो उसको, ठीक है, कुछ स्टेट्स में जैसे बोलते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो मतलब कि ब्लॉक बन गया कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर, ठीक है, एक ग्राम पंचायत जो है उसके अंडर में कुछ एरिया आता होगा, दूसरे के अंडर में कुछ एरिया आता होगा, तो इन सभी के अंडर में जितना एरिया आता है तो वो पूरा एक जो है BDO के अंडर में आता है एरिया, वो उसके मतलब उस एरिया पूरे एरिया को जो कंट्रोल करता है BDO एक। तो BDO के पास जाएंगे ग्राम पंचायत जो है और उससे जो है हेल्प मांगेंगे और इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि भाई वाटरशेड की जो ये स्कीम है सरकार की, इसमें क्या सरकार हमारी मदद कर पाएगी, हमें अपने गाँव में ये लगवाना है, ये करवाना है हमें, तो क्या क्या हेल्प मिल पाएगी हमें सरकार के द्वारा। तो ये बात जो है हम BDO से जाके पूछेंगे, क्योंकि BDO के पास इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि BDO जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ठीक है, सरकार का वो है, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव है वो, ठीक है, तो उसको तो पता होगा इस चीज़ के बारे में कि क्या जो स्कीम है वो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि लेफ्ट साइड में ये बंजर था और वाटरशेड मैनेजमेंट जब ये प्रोग्राम जब करा गया, लगाया गया, ठीक है, तो ये बंजर जमीन जो है कैसे हरी भरी हो गई आपके आगे, ठीक है, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम आप समझ सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं आप 3 लेवल ऑफ पंचायत, ठीक है, पंचायत जो है उसके 3 लेवल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो है ये पंचायती राज जो है ये सिस्टम जो है बेसिकली, ठीक है, इस 3 लेवल पे ये बेसिकली होता है, ठीक है, पंचायत जो है इसके 3 लेवल होते हैं, समझ रहे हो आप। लोकल जो ये गवर्नमेंट है बेसिकली, लोकल गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हो, तो ये लोकल गवर्नमेंट 3 लेवल पर होती है, गाँव के लेवल पर, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक बीच वाला लेवल, यानी कि एक यूँ कह सकते हो कि ब्लॉक का लेवल आप समझ सकते हो, या तहसील का लेवल कह सकते हो आप उसको, और उससे ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट का लेवल एक, ठीक है, बस मोटी मोटे थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, अभी प्रॉपर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद में, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जो ये प्रोसेस है इसमें आपको समझ आ गया होगा कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और लोग जो है उन्हीं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों के, वही जो है सरकार बनाते हैं, ठीक है। पंचायती राज का सिस्टम जो है हमने अभी देख लिया, ठीक है, गांव के लेवल पर, समझ लो गांव के लेवल पर देख लिया पंचायती राज का सिस्टम। अब यही सिस्टम जो है एक तहसील के लेवल पर भी होता है और यही सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, तो इसको जो है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होती है ये, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हो, चाहे वो तहसील के लेवल पर हो, चाहे वो गांव के लेवल पर हो, ठीक है, ये लोकल लेवल है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट होती है पूरे राज्य के लेवल पर, पूरे स्टेट के लेवल पर, और नेशनल गवर्नमेंट होती है पूरे सेंटर के लेवल पर, ठीक है। तो अब ये जो है आपको समझ आ गया होगा कि पंचायती राज सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सवाल पूछते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव, उनसे वो सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। अब रूरल एरिया में गरीब जो गांव देहात का जो इलाका है उसमें आपको मिलेगा ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, समझ रहे हो आप, जो हमने अभी बात करी है पूरे चैप्टर में, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट टायर, ठीक है, ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, फर्स्ट टायर या लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है, पंच होते हैं आपके, ठीक है, और ग्राम पंचायत जो होती है वो आंसरेबल होती है ग्राम सभा को, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो ग्राम सभा के लोग ही इलेक्ट करते हैं, हम ही जो है आम आदमी जो है
जिसको वोटिंग का राइट है गांव में जो रहता है वही इलेक्ट करता है ग्राम पंचायत के लोगों को, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये जो है बेसिकली ये जो लेवल है, ठीक है, ग्राम, ये जो गवर्नमेंट है इस लेवल पर, ग्राम पंचायत वाली जो ये गवर्नमेंट है, ये फर्स्ट टायर है, ठीक है, फर्स्ट टायर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर लोकल गवर्नमेंट का फर्स्ट टायर आप कह सकते हो, ठीक है, कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसका फर्स्ट टायर है ये, ठीक है, समझ रहे हो, कि लोकल गवर्नमेंट का भी फर्स्ट टायर है। वैसे तो तीन टायर होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, लेकिन लोकल लेवल पर भी आप बात करो तो ये सबसे नीचे वाला जो लेवल है ग्राम पंचायत का लेवल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इस सिस्टम में, पंचायती राज सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये बेसिकली दो और लेवल पर भी एक्सटेंड होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक होता है ब्लॉक लेवल जिसको कहते हैं जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है हम कहते हैं ग्राम पंचायत, तो ब्लॉक के लेवल पर कहते हैं इसको जनपद पंचायत, ठीक है, और पंचायत समिति जो है, ठीक है, पंचायत समिति यानी जो ये जनपद पंचायत जो है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी ग्राम पंचायत आती हैं, ठीक है, इसके अंडर काफ़ी सारी ग्राम पंचायत होती हैं, समझ रहे हो आप। जैसे कि मतलब अभी मैंने बताया था आपको कि जो BDO होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो एक ब्लॉक के लेवल पर होता है, मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट तभी कहते हैं उसको BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक की डेवलपमेंट का एक जो देखता है वो पूरे ब्लॉक को वो करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ब्लॉक के लेवल पे जो गवर्नमेंट है, ब्लॉक के लेवल पे जो आपकी ये पंचायत होती है, इसको बोलते हैं जनपद पंचायत, ठीक है, या फिर पंचायत समिति। अब जो जनपद पंचायत है या पंचायत समिति जो है, इसके अंडर में काफ़ी सारी ग्राम पंचायत आती हैं, ठीक है, 4-5 ग्राम पंचायत का जो एरिया है पूरा मिला के बनता है पंचायत समिति या जनपद पंचायत का एरिया, ठीक है। अब पंचायत समिति जो है, ठीक है, इसके ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद जो है, ठीक है, वो इस लोकल लेवल पे जो है तीसरा लेवल जो है उस पे आती है, ठीक है। अब ये जो जिला परिषद जो है, बेसिकली जिला परिषद बोल सकते हो या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल सकते हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो प्लान बनाती है, एक्चुअल डेवलपमेंट प्लान बनाती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, समझ लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ब्लॉक वाली जो है ब्लॉक लेवल पर बनाएगी, ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम लेवल पर देखेगी, डिस्ट्रिक्ट जो वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर देखेगी कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखेगी वो, ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट को, समझ रहे हो, उसके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाएगी कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जो है स्कूलों की कमी है, हमें स्कूल बढ़ाने चाहिए, ठीक है, हमें जो क्या बोलते हैं ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो कम हैं, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं, या फिर जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं वो बस, ठीक है, एक गांव को नहीं देख रहे वो, एक ब्लॉक को नहीं देख रहे वो, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं वो, ठीक है, बात समझ आ रही होगी आई होप। अब क्या होता है कि पंचायत समिति के हेल्प से, ठीक है, पंचायत समिति जो है, क्योंकि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफी सारी पंचायत समिति आ गई, वही बात होगी, जैसे कि एक जो पंचायत समिति है उसके अंदर काफी सारी ग्राम पंचायत आती हैं, तो ऐसे ही एक जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उसके अंदर काफी सारी जनपद पंचायत आती हैं, यानी पंचायत समिति या जनपद पंचायत एक ही बात है, ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर काफी सारी जो है ये पंचायत समिति आती हैं, समझ रहे हो आप बात, ठीक है, और एक स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में जो है काफ़ी सारी ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट मिलाकर ही तो एक स्टेट बनती है, एक राज्य जो है काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ही तो बनता है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है वो DC होता है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, सुना होगा आपने, तो ऐसे जो है बेसिकली कामकाज ऐसे जो लेवल होती हैं गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे जो है गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, लेवल बाय लेवल, इसीलिए जो है इतना बड़ा देश और इतनी जो आबादी है हमारे देश की वो अच्छे से जो है मतलब कि उन्हें सुविधाएं मिल पाती हैं, ठीक है, जो काम काज है सरकार का वो ढंग से चल पाता है, ठीक है, प्रॉपरली चल पाता है, इसीलिए क्योंकि ये प्रॉपरली इसको डिवाइड किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है, ठीक है, समझ रहे हो आप, एक सिस्टम है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो पंचायत समिति के थ्रू जो है मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेगुलेट करती है, यानी कि कंट्रोल करती है कि भाई ये वाली आपके अंडर में जो ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, इनमें ऐसा सा काम होना है और इसके लिए हम आपको जो है इतने पैसे दे रहे हैं पंचायत समिति को, तो आप जो है काम करना, इस पैसे को जो है अपने ग्राम पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, वो आपका काम है, ठीक है। अब इस वाली पंचायत समिति को बोल दिया कि ये आपके लिए पैसा है, कौन बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल रही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो रेगुलेट कर रही है कि भाई ग्राम पंचायत में डिवाइड करोगे आप और कौन कौन सी ग्राम पंचायत को कितना कितना मिलना चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ कितना गया है, किस चीज़ के लिए गया है, वो सारी चीज़ जो है आप देखोगे और आप हमें बताओगे,
ठीक है, पंचायत समिति बताएगी किसको, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को ऊपर, ठीक है, ग्राम पंचायत किसको बताती है, पंचायत समिति को, यानी ऊपर जो है वो बात जाती है, ठीक है, ऐसे ऊपर वन बाय वन लेवल है ये तीन, ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है, कि हर एक स्टेट जो है हमारे देश में वो खुद अपने जो है लॉ बना सकती है, किसके रिगार्डिंग, पंचायत के रिगार्डिंग। अब पंचायत जो है ये, ठीक है, जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पंचायती राज का जो सिस्टम है, इसके लिए हर एक स्टेट को लॉ बनाना, अपने लॉ बनाना अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि आइडिया इसके पीछे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रीडम के साथ में जो है, आज़ादी के साथ में अच्छे से, ठीक है, पार्टिसिपेट कर पाएँ इसकी प्रोसेस में। बेसिकली पंचायती राज का सिस्टम जो है ये, इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ और जो है सवाल पूछ पाएँ, उनके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका जवाब जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल पाए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो उनकी सहमति से काम हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, और उसके लिए हर एक स्टेट को अलाउड है अपने पंचायती राज सिस्टम जो है ये, पंचायत की जो जो ये गवर्नमेंट का सिस्टम होता है एक स्टेट के अंदर में, पंचायती राज सिस्टम, इसके लिए लॉज बनाना अलाउड है हर एक स्टेट को, ठीक है, ये संविधान में लिखा गया है, गाइडलाइंस हैं ये, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सब कुछ हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये जो पंचायती राज का जो सिस्टम है, ठीक है, ग्राम के लेवल पर, गांव के लेवल पर, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, तो ये हमने जो है डिस्कस कर लिया है यहाँ पर पूरा। हम जो है हमने एक एक चीज़ को टॉपिक वाइज प्रॉपरली डिटेल में देखा है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है आपको कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है, कि आपको क्या डाउट है, आपको क्या समझ नहीं आया। मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन का, आपके क्वेरी का जवाब दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।